केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा, जेडीएस के नेता अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन करेगी, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाजपा किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। बेंगलुरु में बूथ अध्यक्षों और बूथ लेवल एजेंटों की एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही। हमारे साथ भाजपा आएगी, हम साथ में रहेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अब कर्नाटक को कहने आया हूँ, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले सरकार बनाएंगे। ये दो खेमे पड़ गए हैं और ये दो राजनीतिक विचारधाराओं के खेमे नहीं है, एक और राष्ट्रभक्तों की संगठित टोली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। कर्नाटक की जनता को नक्ता ही करना है। कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना भ्रष्टाचार करने का एक आसान तरीका है। इन्होंने कहा कि हमने दोनों दलों की सरकार देखी है, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर्नाटक दिल्ली का एटीएम बन जाता है और जब जेडीएस आती है तो ये एक परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से कर्नाटक की प्रगति को रोका है, लेकिन हमारे लिए सत्ता में आना लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। इन्होंने कहा कि हाल ही में 7 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा ने 5 राज्यों में जीत दर्ज की, जबकि 6 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। कर्नाटक की जनता ने तय करना है, कर्नाटक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है या नहीं करनी है, हजारों प्रवीणों को बचाने का काम हमने करना है या नहीं करना है, वो कर्नाटक की जनता ने काम तय करना है। मित्रों, एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी है, जो अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी पुनरोद्धार करते हैं और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। इसके बीच में कर्नाटक की जनता को पसंद करना है। एक और डबल इंजन और डबल स्पीड से चलने वाली सरकार है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के साथ बूथ अध्यक्षों और बूथ लेवल एजेंटों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार का गठन करेगी।